विजय वर्मा श्वेता त्रिपाठी की हुई बिग बॉस में एंट्री। भारती ने लगाया शो में एंटरटेनमेंट का तड़का। कल बिग बॉस ओटीटी 2 काफी ज्यादा लाइमलाइट में बना हुआ है और शो धीरे धीरे करके अपने फिनाले वीक की तरफ बढ़ता भी जा रहा है। शो तब से और भी ज्यादा रोमांचक हो चुका है जब में इसमें दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई। शो के शनिवार के वार में सलमान खान घर वालों की क्लास लगाते हुए नजर आए थे। सलमान ने मनीषा बेबी का अभिषेक और अलविश की तो काफी ज्यादा क्लास लगाई, जिसके बाद अलविश काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए भी नजर आए थे। वहीं आज वीकेंड का वार काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है क्योंकि आज होगी बिग बॉस ओटीटी 2 में लाफ्टर क्वीन भारती सिंह की एंट्री। जी हाँ, शो के मेकर्स ने फैंस के एक्साइटमेंट को दोगुना करने के लिए लेटेस्ट प्रोमोस शेयर किए हैं शो के, जिसे देखने के बाद फैंस वेट नहीं कर पा रहे हैं वीकेंड के वार को देखने के लिए। भारती सिंह बिग बॉस में सलमान खान के साथ रोमांस करती हुई भी नजर आएंगी, वहीं घर वालों के साथ मजाक मस्ती भी करेंगी। भारती की एंट्री पर खुश होकर श्वेता त्रिपाठी भी अपने एक्साइटमेंट पर काबू नहीं कर पाती और भारती की परफॉर्मेंस देखकर सीटी मारती है। भारती रोमांटिक तरीके से घूंघट में एंट्री करती है। वहीं शो में पॉपुलर स्टार विजय वर्मा और श्वेता त्रिपाठी भी बिग बॉस ओटीटी 2 में अपने लेटेस्ट वेब सीरीज कालकूट का प्रमोशन करने के लिए आए हैं। विजय सलमान की होस्टिंग की तारीफ करते और कहते हैं कि सलमान है तो बिग बॉस है। वहीं श्वेता शो में आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आती है। विजय शो में घर वालों के लिए एक टास्क भी लेकर आते हैं और सलमान से इस बारे में बातचीत करते हैं। विजय टास्क में घर वालों से बताने को कहते हैं कि घर की मुजरिम कौन है और क्यों। इस टास्क में भी पूजा मनीषा का नाम लेती है और उन्हें टारगेट करती हुई नजर आती है। पूजा कहती है कि एक टाइम था जब उन्हें मनीषा की मासूमियत बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी और मैंने उनको कहा कि एक दिन जब उनकी मासूमियत ये चली जाएगी तो यू आर ओवर। वही अविनाश कहते हैं कि कोई भी चीज एक हद तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद इरिटेटिंग लगती है। आई होप अब जाकर अपने गिरेबान में झाके और खुद को ठीक करने की कोशिश करें। अविनाश ये लाइन अभिषेक के बारे में कहते हैं। वही जिया मनीषा को टारगेट करती है और उनका नाम लेती है घर के मुजरिम के तौर पे। जिया कहती है कि जहाँ स्टैंड लेना चाहिए मनीषा वहाँ पर स्टैंड नहीं लेती है। बहुत कुछ चीजें हैं जो उनको अपने आप में देखनी चाहिए। वही अभिषेक अविनाश का नाम लेते हैं और कहते हैं कि वो काफी सारी चीजें लैक करते हैं और वो घर में दूसरों को आलसी बुलाते हैं, लेकिन वो खुद ही ये नहीं देखते कि वो खुद घर में कितने ज्यादा इनएक्टिव रहे हैं। वेल, आप वीकेंड के वार में भारती के परफॉर्मेंस को देखने के लिए है कितने ज्यादा एक्साइटेड हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।